दोस्तों, आईसाइट इम्प्रूव करने का ये तरीका तो आपने अपनी दादी, नानी या परिवार के किसी बुजुर्ग से ज़रूर सुना होगा। ये हमारे देश का सदियों पुराना आईसाइट इम्प्रूव करने का तरीका है। इस नुस्खे में सौंफ, बादाम और मिश्री को पीस कर सेवन करने की सलाह दी जाती है, लेकिन हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने इसे ज़रूर अजमाया होगा, पर अफसोस, इस नुस्खे से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, इस नुस्खे से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग इस मिश्रण को ना ही सही तरीके से बनाते थे और ना ही इसका सेवन सही विधि से करते थे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इसे सही तरीके से कैसे बनाया जाता है और इसके सेवन का सही तरीका क्या है। लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि ये मिश्रण आप लोगों को फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचाता था, यानी कि इसे बनाते वक्त आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे थे जिसकी वजह से ये फ़ायदा नहीं कर रहा था। दोस्तों, इस मिश्रण को बनाने के लिए इसमें जो आप इस तरह की मिश्री का इस्तेमाल करते हैं, दरअसल ये मिश्री है ही नहीं। इस तरह के शक्कर के दाने की तरह दिखने वाले ये बड़े आकार के दाने असली मिश्री नहीं होती है। वास्तव में ये शक्कर ही होती है जो बाजार में मिश्री के नाम से बेची जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये वही शक्कर होती है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है, जिसे स्लो पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है। असली मिश्री की पहचान इस तरह की होती है। इस तरह की असली मिश्री होती है, असली मिश्री में इस तरह धागा लगा रहता है। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव जरूर होती है, पर जब आप इस मिश्री का इस्तेमाल इस मिश्रण को बनाने के लिए करेंगे, तब आपको आईसाइट इम्प्रूव में काफ़ी फ़ायदा नज़र आएगा। ये धागे वाली मिश्री के नाम से भी जानी जाती है। ये इंडिया और पाकिस्तान में ग्रोसरी स्टोर पर आसानी से मिल जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगी, आप ऑनलाइन से मंगवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें कुल चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तीन चीज़ें जो समान मात्रा में लेनी है वो है सौंफ। अच्छी और ताज़ी सौंफ की पहचान होती है कि इसका रंग हल्का हरा होता है। जब ये पुरानी हो जाती है तब इसका रंग पीला पड़ जाता है। पुरानी पीले रंग की सौंफ कम बेनिफिशियल होती है, इसीलिए आप किसी अच्छी दुकान से ही सौंफ खरीदें। बादाम, मैंने यहाँ पर सादे बादाम लिए हैं, पर आप चाहें तो मामरी बादाम भी ले सकते हैं। धागे वाली मिश्री, इस मिश्रण को बनाने के लिए सौंफ, बादाम और मिश्री की मात्रा समान होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम धागे वाली मिश्री ली है। चौथी चीज़ डालनी है वो है सफ़ेद मिर्ची। काली मिर्ची के काले छिलकों को हटाने के बाद इस तरह की सफ़ेद मिर्ची जो बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, ये आईसाइट इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। 100 ग्राम तीनों की क्वांटिटी में 10 ग्राम सफ़ेद मिर्ची डालनी होगी। और अगर आप सौंफ, बादाम और मिश्री इन तीनों की क्वांटिटी 200-200 ग्राम ले रहे हैं तो आप 20 ग्राम सफ़ेद मिर्ची डालेंगे। मैंने सौंफ को अच्छी तरह से साफ कर लिया है, यानी कि सौंफ में कोई भी डंखल या लकड़ी हो तो उसे निकाल देनी चाहिए, नहीं तो वो दांतों में फंस जाती है। अब सबसे पहले सौंफ को बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने सौंफ को बारीक पीस लिया है और अब मैं इसे अलग किसी बड़े बर्तन में निकाल रही हूँ, क्योंकि हमें इसमें और भी चीज़ें पीस कर डालकर उसे अच्छी तरह मिलाना पड़ेगा। अब मैं 100 ग्राम बादाम पीस रही हूँ। इस 100 ग्राम बादाम के साथ मैं 10 ग्राम सफ़ेद मिर्ची भी डाल रही हूँ, ताकि मिर्ची इसके साथ में अच्छी तरह से पीस जाए। बादाम को भी बारीक पीसना होगा। ये देखिए, मेरे बादाम और सफ़ेद मिर्ची दोनों अच्छी तरह से पीस गए हैं। अब इसे मैं उसी बर्तन में डाल रही हूँ जिसमें मैंने सौंफ को पीस कर डाला था। अब मैं 100 ग्राम मिश्री भी पीस रही हूँ। इसमें से मैंने धागा अलग कर दिया है और ये मिश्री को मैं बारीक पीस रही हूँ। ये देखिए, मिश्री भी बारीक पीस गई है। अब इसे हमें उसी बर्तन में डालना है जिसमें हमने बाकी की चीज़ें बारीक पीस कर डाली हैं। अब इन चारों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से आपस में मिलाना है।
जब ये चारों चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल जाएंगी, तब इस मिश्रण को किसी कांच की बोतल में या किसी प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करके रखना है और इसे घर के किसी ऐसे कोने में रखना है जहाँ पर धूप नहीं आती हो, क्योंकि ये धूप में खराब हो जाता है। जब भी आप इस मिश्रण का इस्तेमाल करें तो इसमें सूखी चम्मच ही डालें, नमी से ये खराब हो जाता है। इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे नमी से दूर रखना है। आप चाहें तो 2 से 3 महीने का मिश्रण साथ में बनाकर रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। हाउ टू यूज़ ये मिश्रण, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस मिश्रण का सेवन 18 साल से कम उम्र वालों को 1 चम्मच यानी कि लगभग 5 ग्राम करना है और उसके साथ 1 ग्लास दूध जरूर पीना है। 18 साल से अधिक उम्र वालों को 2 चम्मच यानी कि लगभग 10 ग्राम मिश्रण सेवन करना है और उसके साथ 1 ग्लास गर्म दूध पीना है। दूध की मात्रा लगभग 250 ml होनी चाहिए। इसका सेवन करने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। इसे हमेशा दूध के साथ लेना है और इसे हमेशा रात को सोने से पहले ही लेना है, क्योंकि रात को जब हम सो जाते हैं तब हमारा शरीर रिपेयरिंग मोड पर चला जाता है, तब इसका फ़ायदा हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मिलता है। आइए जान लेते हैं कि ये मिश्रण हमारी आईसाइट को इम्प्रूव करने के लिए क्यों हेल्पफुल होता है। लेसिक या लेज़र विज़न करेक्शन की तुलना में ये रेमेडी काफ़ी सस्ती और सेफ होती है। इस मिश्रण का लगातार सही विधि से सेवन करने से 2 से 3 महीने में हमें रिजल्ट दिखाई देने लगते हैं, यानी कि 2 से 3 महीने में चश्मे का नंबर कम होने लगेगा और 8 से 10 महीने तक लगातार इसका सेवन करने से आँखों का चश्मा भी उतर जाता है। ये मिश्रण आँखों की रोशनी को बढ़ाने के साथ साथ दिमाग की कमजोरी और एमनीजिया यानी कि भूलने की बीमारी को भी ठीक करता है। ये रेमेडी 100% नेचुरल है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। सौंफ में एक प्रकार का नेचुरल ऑयल पाया जाता है जो कि आईसाइट इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। साथ ही ये मिश्रण ठंडी तासीर का होने की वजह से हमारे शरीर की एक्स्ट्रा हीट यानी कि पित्त को कम कर देता है। दोस्तों, इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के साथ साथ बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप लोगों को अपनी आँखों की कुछ सामान्य देखभाल भी करनी ज़रूरी है, जैसे कि रात को लगभग 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करना, सलाद व हरी पत्तों की सब्जियों का सेवन करना, पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना। शरीर में पानी की कमी से भी आईसाइट कमज़ोर हो जाती है। लंबे समय तक टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। आँखों की नियमित एक्सरसाइज करना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।